हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3 आई विश आई वर। हाफ ऑफ द चैप्टर वर एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास। चैप्टर के अंदर दो स्टैंजा है, एक स्टैंजा जो है मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ा दिया था, एक्सप्लेन हो गया था। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन द रिमेन पार्ट लाइन बाय लाइन। सो टेक द बुक पेज नंबर 29। आई एम रीडिंग, व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम स्कूल। When in the afternoon, दोपहर के समय जब 4 o'clock मैं जब स्कूल से वापस आता हूं, I can see through the gate of the house the gardener digging the ground. I can see, तो मैं उस समय जब स्कूल से जब 4 o'clock में वापस आता हूं तो मैं ये देख सकता हूं of that house gate, जो house का जो gate है जिधर से वो आ रहा है बच्चा, the gardener digging the ground. Digging मतलब खोदना, तो उस समय वो खोद रहा होता है। Gardener मतलब माली, जो गार्डन की देखरेख करता है, पर्सन वो टेक केयर ऑफ गार्डन, बगीचे की जो देखरेख करता है। तो वो गार्डन को मैं अंदर जो है ग्राउंड को खोद रहा होता है ऐसे। ही डज व्हाट ही लाइक्स विद हिज स्पेड। ही डज वह करता है व्हाट ही लाइक्स, जो उसका मन करे, विद हिज स्पेड अपनी जो कुदाली जो होती है उससे जो है वो अपने मन में जो आए वो करता है। स्पेड मीन्स कुदाली, एक ऐसा जो वेपन होता है लाइक दिस, आप पिक्चर में देख सकते हो चैप्टर के अंदर, मींस वो यहां से एक थोड़ा नुकीला होता, शार्प होता है। तो ही इज यूजिंग, गार्डनर इज यूजिंग दिस टूल, इससे वो कर रहा है, देखो आप पिक्चर में देख सकते हो, वॉट एवर ही लाइक, जो उसको पसंद हो। ही सोइल्स हिज क्लोथ विद अ डस्ट, वह जो है डस्ट से जो है अपने सारे क्लोथ को सोइल्स करता है, मतलब मिट्टी में भर देता है पूरे पूरे। बच्चों को बहुत पसंद होता है, तो ये बच्चे की विश ऐसी क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चे जब मिट्टी में गंदे हो जाते हैं, आप लोग जब ऐसे हो जाते हो तो आपकी मम्मा आपको बहुत डांटती है, लेकिन आपका मन करता है कि आप मिट्टी में खेलो, कपड़े गंदे भी हो जाए तो भी मम्मा आपको नहीं डांटे। तो ऐसा जब वो गार्डनर कर रहा है तो बच्चे की इच्छा होती है कि देखो ये गंदे कपड़े कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन इनको डांटने वाला कोई नहीं है, जहां मर्जी आया खड्डे खोद रहे हैं, जिस औजार को लेना है, जिस टूल को लेना है वो ले रहे हैं, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी ऐसा करूं। एंड वन मोर थिंग, नोबडी टेक्स him to task if he bakes in the sun or get wet. Wet मतलब गीला हो जाना, जब वो पसीने से तर बतर हो जाता है। wet मतलब गीला कैसे होता है, क्योंकि वो बहुत सारा जब काम करता है तो वो पसीने से पूरा शरीर उसका wet हो जाता है। if he bakes in the sun, sun सूर्य की जो रोशनी में, sunlight में, bake मतलब सेकना, जब अपन जो रोटी सेकते हैं that is known as baking, तो वो अपने आप को सेक कैसे रहा है, means without any शेड, बिना किसी छाया के, वो धूप के अंदर जब अपने आप को काम कर रहा है, ऐसे खोद रहा है, तो वो अपने आप को सेक ही तो रहा है, सनलाइट उसके ऊपर आ रही है, लेकिन वो बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो धूप से, धूप में अपने आप को बेकिंग कर रहा है, सेक रहा है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं कहता है, उसे कोई आराम करने का नहीं कहता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे द एट द ग्राउंड विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। आई विश आई वर अ गार्डनर। अब बच्चे की विश देखो, पहले तो एक विश हुई थी, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वीडियो उसमें बताया था कि उसकी जो इच्छा होती है कि हॉकर बन जाए। नाउ ही इज विशिंग, व्हाट ही इज विशिंग, ही इज विशिंग टू बी अ गार्डनर। जब उसने उस मालिक को देखा खड्डा खोदते हुए, मिट्टी में पूरा हो गया था कपड़े उसके, तो जो उसकी इच्छा हुई कि अब मैं एक गार्डनर भी बन जाऊं। नोबडी स्टॉप मी, और मुझे कोई रोके नहीं फ्रॉम डिगिंग, खड्डा खोदने से, मुझे कोई भी खड्डा खोदने से ना रोके और मैं ऐसा गार्डनर बन जाऊं, ऐसी उसकी इच्छा हो रही है। सो चैप्टर इज ओवर, वेरी स्मॉल चैप्टर वॉज देयर। कल भी जो है मैंने आपको एक छोटा सा स्टैंजा पढ़ाया था, उसमें 6 or 7 लाइन्स ओनली थी। तो उसके बाद मैंने आपको जो टिक द करेक्ट आंसर्स जो है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, मैंने आपको कल 2 ही समझाए थे, बट आई गिव यू फॉर राइटिंग एंड आई हैड सेंट द आंसर्स ऑन व्हाट्सएप, बट आप जो है अभी समझ लीजिए बाकी वाले क्वेश्चन आंसर्स का मीनिंग। और वीडियो को देखने से पहले प्लीज अपने जो क्वेश्चन आंसर्स जो है, आंसर द फॉलोइंग है, वो आप नोटबुक में कर लीजिए, ताकि मैं जो अभी एक्सप्लेन करूंगा आंसर्स, जिसका आंसर मैं अभी ऑरली एक्सप्लेन कर रहा हूं बोल बोल के, तो आप उनको लाइन बाय लाइन समझ सकें। प्लीज सी, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 2 ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वर एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लास। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 30। एट 4 o'clock द चाइल्ड रिटर्न्स फ्रॉम द, 4 o'clock जो है बच्चा कहां से आता है, मार्केट, स्कूल, गार्डन और रूम। यस, ही कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जैसा कि चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ही कम बैक फ्रॉम द स्कूल, सो आंसर विल बी बी।
थर्ड का आंसर क्या होगा, ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थर्ड आंसर विल बी बी। फोर्थ नंबर द वर्ड दैट मीन्स टू मेक डर्टी, टू मेक डर्टी गंदा करना, इसका मीनिंग क्या हो गया है, इसका मीनिंग है सोइल, सोइल का मतलब होता है मिट्टी, लेकिन सोइल्स मतलब मिट्टी में करना, गंदा कर लेना, ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ का आंसर भी बी है, प्लीज टिक मार्क, बी मतलब बी का जो आंसर है सोइल्स, और आप इस आंसर्स को मेंस द फॉलोइंग में भी देख सकते हो, पेज नंबर 31, सोइल्स मीन्स मेक डर्टी जो आपने कल लिया था। लास्ट फोर्थ, द चाइल्ड डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू स्टॉप हिम, बच्चा नहीं चाहता है कि मुझे कोई रोके, फ्रॉम क्या करने से रोके, बच्चे की क्या विश थी कि मैं जो काम करूं उसे मुझे कोई नहीं रोके, स्टॉप फ्रॉम डिगिंग, लास्ट वर्ड देखिए चैप्टर का जो है लास्ट वर्ड दिया गया है डिगिंग, और उसमें सेम लाइन भी दी गई है, तो आंसर नंबर फिफ्थ विल बी डिगिंग सी, द आंसर विल बी डिगिंग, डिग मतलब खोदना, डिगिंग खुदाई करना, ही डू नॉट वॉन्ट टू बी स्टॉप। नाउ answer the following one by one, I am explaining the answer, see the answer in your notebook you have written, see number 1, what does the Bengal seller cries out, Bengal seller jo hai kya chilla raha hota hai, kya pukar laga raha hota hai, jab koi log jo hote hain feri wale jo hote hain wo apne item ko hi bechte hain, ab Bengal seller hai wo aur wo kya chilla raha hai, Bengals cries out, Bengals crystal bangles, to aap jo answer likhenge वो लिखेंगे बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। हाफ ऑफ द लाइन क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन यू विल राइट द बैंगल सेलर्स क्राइज आउट, इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, एंड देन आफ्टर यू विल राइट बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स जो है सेकंड लाइन में दिया गया है, ये जो है वो चिल्लाता है। नंबर 2 आंसर यू प्लीज सी इन योर नोटबुक, विच टू थिंग्स अट्रैक्ट द चिल्ड्रन व्हेन ही सीज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, Which two things, कौन सी दो चीजें बच्चे को अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, when he see gardener, जब वह गार्डनर को देखता है digging the ground, ग्राउंड में खोदते हुए जब वो देखता है तो बच्चे को कौन सी चीजें अट्रैक्ट करती है, you come to see when he see clothes with the dust and nobody stop him, एक तो कपड़े जो मिट्टी में हुए हुए थे, क्योंकि बच्चों को और आपको ज्यादा मार उसी पे पड़ती है, कपड़े गंदे कर दिए और मामा आपको बहुत पनिश करती है, इतने सारे अभी तो स्नान करके गए थे, सारे कपड़े गंदे करके आ गए, आप बाहर नहीं जाएगा, अब थोड़ी देर के लिए यही अंदर बैठो, और इसी के कारण आपको मामा मोबाइल भी दे देते हैं कभी कभी कि ताकि आप बाहर मिट्टी में गंदे नहीं हो जाए। तो बच्चे को कौन सी चीजें अच्छी लगती है, यू प्लीज सी कि एक तो ही सोइल्स हिज क्लोथ विद द डस्ट, मिट्टी में जो कपड़े गंदे कर दिए हैं उस गार्डनर ने, वो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन गार्डनर को अच्छा नहीं लग रहा है, ये बात ध्यान रखना, जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको ऐसा काम अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी स्टॉप, दूसरी थिंग है नोबडी स्टॉप, एक उसको कोई स्टॉप नहीं करे, उसको कोई नहीं रोके, तो ये दो चीजें उसको अच्छी लग रही है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, द टू थिंग्स अट्रैक्ट द चाइल्ड व्हाइल ही सी द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड दैट वर नोबडी स्टॉप्ड हिम व्हाइल डिगिंग, नोबडी स्टॉप्ड हिम व्हाइल डिगिंग एंड clothes with the dust, clothes with the dust, that is the answer you have to write. When does the child return from the school, to dekhiye aapne question answers likha hua hai, a multiple choice question mein third jo line hai yahi iska answer hai, at 4 o'clock the child returned from the school, multiple choice question jo past mein hi aapke diya gaya hai usme aapko pucha ki bachcha kitne baje aata hai, 4 o'clock, aur yahan puch raha hai उसमें जो पूछा गया है कि कहां से आता है, तो अपन लिखेंगे उसमें अपन ने लिखा था कि स्कूल से आ रहा है, और इसमें अपने जो पूछा है कि भाई 4 o'clock जो है कब आता है, तो अपन लिखेंगे यहां पर ही कम्स एट 4 o'clock इन द इवनिंग, सॉरी आफ्टरनून, सो यू विल राइट एट 4 o'clock द चाइल्ड रिटर्न्स फ्रॉम द स्कूल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो थर्ड आंसर है यू हैव टू राइट। नंबर फोर्थ, देखो नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ दोनों के दोनों क्वेश्चंस जो है सिमिलर है, व्हेन द चाइल्ड रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड एट व्हाट टाइम डू यू रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, एक में टाइम पूछा गया है कि बच्चा स्कूल से कब आता है, और नंबर फोर्थ में क्या पूछा गया है, एट व्हाट टाइम यू रिटर्न फ्रॉम योर स्कूल, आप अपने स्कूल से
कब आते हो, तो दूसरे में जो है आपका स्कूल टाइम लिखना है 2 o'clock, अगर अभी स्कूल ओपन होती वैसे तब आप स्कूल ना तो स्कूल जा रहे हो ना स्कूल से घर आ रहे हो, आप अब हमेशा घर पर ही हो, आपका स्कूल जो है घर पर है और सर आपकी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं। सो व्हाट विल यू राइट, आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 2 o'clock, आई रिटर्न फ्रॉम माई स्कूल एट 2 o'clock, बिकॉज अगर नॉर्मली अभी स्कूल ओपन होती तो हमारा टाइम जो है 1:30 और 2 o'clock होता। नंबर 5, हाउ कैन द चाइल्ड सी द गार्डनर, बच्चा जो है किस कंडीशन में गार्डनर को देख रहा है, हाउ कैन ही सी द गार्डनर, सो ही कैन सी द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, आप इतना ही लिखेंगे ही कैन सी द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोदते हुए देख रहा है, किस कंडीशन में, कि जब वो बच्चा उधर से जा रहा होता है तो जो फार्मर जो सॉरी गार्डनर जो है उस गार्डन को डिगिंग मतलब खोद रहा होता है। लास्ट वन, हाउ डज द चाइल्ड वॉन्ट टू स्पेंड हिज डे इफ ही बिकम अ हॉकर फुल डे ऑन द रोड, एक चाइल्ड जो है वॉन्ट टू स्पेंड हिज डे अपना जो डे कैसे स्पेंड करना चाहता है, इफ ही बिकम्स अ हॉकर, अगर वो एक हॉकर बन जाता है फेरी वाला बन जाता है, तो चैप्टर की लाइन में आप वापस आएंगे पीछे, देखो जो है फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लास्ट लाइन है, इफ आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, आप लिखोगे ऑन द रोड, द चाइल्ड वॉन्ट टू स्पेंड हिज डे ऑन द रोड इफ ही बिकम्स अ हॉकर, इफ ही बिकम्स अ हॉकर, आपको लर्न इतना ही करना है, इफ ही बिकम अ हॉकर की से पहले आपको क्या लिखना है, ऑन द रोड, इतना ही वर्ड लिखना है, बाकी वाला जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज है, क्वेश्चन में से ही पूरा आंसर लिखोगे। व्हाट डू यू विश टू बिकम, और ये जो क्वेश्चन है आपको अपनी इच्छा से लिखना है, आई विश टू बी अ लॉयर भी हो सकता है, अ टीचर भी हो सकता है, अ सोल्जर भी हो सकता है और एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, और यू नो वेरी वेल कि जो इस प्रकार की विश जो है आपसे लास्ट ईयर जो असेंबली जब होती थी आपसे पूछा जाता था कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपके बर्थडे पर आपको जो है स्टेज पर आना होता था और आपको बोलना पड़ता था कि भाई आई विश टू बी अ डॉक्टर, जो भी आपकी विश है, तो इस क्वेश्चन को जो है 7th क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे और मुझे जो फोटो भेजेंगे, आई वॉन्ट टू सी दैट आंसर मस्ट बी रिटर्न इन योर ऑन लैंग्वेज वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, इसका जो है आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन सेल्फ। सो जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है और जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेजे हैं, सारे आंसर्स जो है मेरे आंसर से मैचअप करेंगे, योर राइटिंग मस्ट बी गुड, योर वर्क मस्ट बी गुड, थैंक्स।